रतलाम के डीडीसी के चेयरपर्सन श्री नजीर अहमद साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर जी, यहाँ के डीआईजी राजीव जी, बडगाम के डिप्टी कमिश्नर श्री अक्षय लावरू जी, यहाँ के एसएसपी निखिल जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी डीटीसी के माननीय मेंबर्स, चुने हुए अन्य प्रतिनिधि देवियों, सज्जनों और मित्रों, बडगाम डिस्ट्रिक्ट की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी गई है तथा 7 प्रोजेक्ट्स बडगाम के नागरिकों को समर्पित किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रोजेक्ट्स इस डिस्ट्रिक्ट में चारों ओर हो रहे विकास को नई गति प्रदान करेंगे और सशक्त बुनियादी संरचना द्वारा आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मैं 2 लाइनों के साथ इस भावना को आप तक पहुंचाऊंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। महाकवि दीनानाथ नादिम जी ने कश्मीरी में भी लिखा, मोहब्बत बागराउन छुम नौल कश्मीर बनाउन छुम। मुझे मोहब्बत का संदेश फैलाना है, मुझे एक नया कश्मीर बनाना है। इसी भाव के साथ एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों और बडगांव को के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है। अगर मैं बडगांव की बात करूं तो 1 वर्ष में 3री बार मैं बडगांव आया हूं। 2023 में आप सबके बीच ये बात कही गई थी कि पंचायत के मेंबरान के अकोमोडेशन का काम बड़ी गति से पूरा किया जाएगा और मुझे खुशी है कि शेखपुरा में पंचायती राज संस्थाओं के मेंबर्स के लिए 6,41,00,000 रुपए की लागत से जिस अकोमोडेशन प्रोजेक्ट का आज समर्पित किया गया है वह ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पंचायती राज संस्थाओं की बेहतरीन फंक्शनिंग के लिए 1,91,00,000 रुपए की लागत से 7 पंचायत घर पोहरू ए, चतरगांव, किछवारी, जुलवा, पंजान, बडीपुरा और ड्रेगाम का उद्घाटन हुआ है। 6,34,00,000 रुपए की लागत से हरिपंथन में रिसीविंग स्टेशन और इस नए स्टेशन के द्वारा हरिपंथन, गंबोरा, पालपुरा, वरिहामा, हाजीपुरा, बमरूद, कंधामा, गुंड के 2,500 परिवारों से ज़्यादा जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे इसके लिए उनकी मांग को पूरा करने में सफलता मिली है। अब इन परिवारों को रिलायबल पावर मिल सकेगी। नाबार्ड के तहत पटवाव गजरगुंड रोड का अपग्रेडेशन का कार्य संपन्न हुआ है। 2,36,00,000 रुपए की लागत से परियोजना पूरी हुई है और इससे पटवाव और गजरगुंड के नागरिकों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्ट के ब्रिज से आसपास के गांवों के कम से कम 25,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। 13,65,00,000 रुपए की लागत से तकियाबल तथा कनिकुंड के 105 मीटर ब्रिज की संगे बुनियाद रखी गई है जो बड़गांव के 2 ब्लॉक बीरवा तथा खाक को कनेक्ट करेंगे। इन दोनों ब्लॉक के लोगों की यह लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। मुझे प्रसन्नता है कि इसकी आज संगे बुनियाद रखी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पूरा हो जाने के बाद 25,000 से ज़्यादा लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिल पाएगी। यहां आने के पहले ट्रांजिट एकोमोडेशन में 91,00,000 लागत से कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया गया। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट के तहत इस प्रोजेक्ट के शुभारम्भ से अभी यहाँ रह रही 296 फैमिलीज की जो आकांक्षाएँ थीं वो पूरी होंगी
अगस्त 2023 में शहरे शरीफ के दौरे के समय आम नागरिकों के संवाद के वक्त कम्युनिटी टॉयलेट की डिमांड की गई थी। इस वर्ष मार्च में 95 लाख की लागत से उस कार्य को पूरा किया गया और हम सभी की आस्था और श्रद्धा के केंद्र इस पवित्र स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए वजूद खाना और रेस्टरूम तथा वॉशरूम की सुविधा भी प्रदान की गई। शेखुल आलम सेंटर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स की भी संगे बुनियाद रखी गई है। इसके बनने से युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त होगा। वाटर सप्लाई के भी कई प्रोजेक्ट आज लोकार्पित किए गए हैं, मैं समझता हूँ, जिससे पोर्टेबल वाटर, शुद्ध पीने का पानी लोगों को मिल सकेगा। वहीं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो काम किए हैं, मैं आज ये कह सकता हूँ कि पिछले इंटरनेशनल सोलर थर्मल कुकिंग सेक्टर मेंटरिंग और मुनि सेवा आश्रम के कार्यों से समय निकालकर ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भविष्य में काम करेंगे। और बड़ी संख्या में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट का श्रीनगर, जम्मू, सोपियां, बाकी शहरों में उसकी संगे बुनियाद रखी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद श्रीनगर, जम्मू और बाकी शहरों के लोगों को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। 4 वर्षों में अनेक बार बड़गांव में आया हूं और आज मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि इस ज़िले के सर्वांगीण विकास के लिए यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब ने, डीडीसी के चेयरपर्सन, डीडीसी के मेम्बरान, पंच, सरपंच सबने ही बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसकी सराहना मैं करता हूँ। साथ ही बड़गांव ने जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों और शहरों को भी यह संदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रास रूट डेमोक्रेसी का प्रतिनिधित्व कर रहे जनप्रतिनिधि और आवाम अगर सामूहिक संकल्प और उसकी सामूहिक शक्ति के साथ काम करें तो गाँव और शहरों के बीच सुविधाओं का जो अंतर है उसे कम किया जा सकता है और कई ऐसे नए काम यहाँ शुरू हुए हैं जो निश्चित रूप से लोगों को सुविधा देंगे। 2023 में बीरवा में आया था, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की घोषणा हुई थी, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि वो तेज गति से काम चल रहा है और उसके बनने के बाद इस जनपद के सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी। 3 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने का भी काम यहाँ के प्रशासन ने किया है और समर्पण भाव से किया है, चाहे वो तो उस मैदान हो, दूध पथरी हो तथा उस मार्ग हो, इसकी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम हो रहा है और मुझे विश्वास है कि बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देश के टूरिज्म मैप पर लाएगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी, युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बटगांव में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ककन मारन में ट्रांजिट एकोमोडेशन की भी बात हुई थी, उस पर भी तेज गति से काम चल रहा है और 10 ब्लॉक इसी वर्ष में पूरे हो जाएंगे। मुझे स्मरण है बटगांव के एक दौरे के समय एक बात कही गई थी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का निर्माण भी बटगांव में होना चाहिए। डीसी बटगांव ने उसके लिए 300 कैनाल जमीन उपलब्ध कराई है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी बटगांव जिले में पूरी तरह से फंक्शनल होगी। एक कोशिश रही है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र मजबूत हो, सामाजिक संतुलन स्थापित हो और इसके लिए आवश्यक इंडस्ट्रीज की भी स्थापना इसी वर्ष मई और जुलाई में बटगांव में इंडस्ट्रियल इस्टेट बुंझा निगम और एक मलमा चामा और वाटर हिल के ज़मीन के अधिग्रहण का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके भेजा था और जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। इन पर जब इंडस्ट्री लगेगी तो ये सभी प्रोजेक्ट पर गांव की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे।
तथा हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मैं आज DDC के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर और सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। टीम बटगांव के सामूहिक सामर्थ्य ने विकास के कार्यों को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में मदद की है। पिछले वित्तीय वर्ष में डिस्ट्रिक्ट अपेक्स के 2300 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। 2300 प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य रखा था और 2731 प्रोजेक्ट पूरे करने में सफलता मिली। इसके लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। PM विश्वकर्मा स्कीम में भी बटगांव ने पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का खिताब हासिल किया है और मुझे बताया गया है 30,500 कारीगरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे आर्टिजन के परिवारों का जीवन सुखद और संपन्न होगा और मैं समझता हूं कि लगभग 1,00,000 लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। 4 वर्षों में देश और दुनिया के लोगों ने जम्मू कश्मीर का नया जन्म और डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी में उसकी ऐतिहासिक ग्रोथ देखी है। आज भी भारत सहित अनेक देशों की नज़र है तो वो जम्मू कश्मीर पर है। मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने विकास के जन्नत के रूप में एक पहचान बनाई है और आज मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो बड़गांव हो या जम्मू कश्मीर हो, पिछले 4-5 वर्षों में विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मैं हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और आप सबके प्रति तथा यहाँ उपस्थित अधिकारियों के प्रति, DDC चेयरमैन साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।